कोरोना वायरस महामारी से मची तबाही को अभी ज्यादा समय नहीं बीता है। महज 3 साल पहले ही लगभग पूरी दुनिया ने इस महामारी का भयानक रूप देखा था, जिसमें लाखों लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि ज्यादातर देशों में कोरोना वैक्सीन आने के बाद ये महामारी काबू में आ चुकी है, लेकिन कई देशों में अब भी इस वायरस की चपेट में आकर लोगों के मरने के केसेस मिल रहे हैं। ऐसे में अब एक ऐसी खबर सामने है जिससे कोरोना महामारी का खौफ फिर से फैलता दिखाई दे रहा है। दरअसल कोरोना वायरस का एक नया सब वेरिएंट JN.1 सामने आया है, जिसने अमेरिका में एक बार फिर तेजी से नए कोरोना केसेस बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका में तमाम तरह की कोरोना वैक्सीन के बावजूद H1.1 सब वेरिएंट ही अब तक काबू में नहीं आया था। ऐसे में नए वेरिएंट से हालात थोड़ा बिगड़ने का डर तेजी से फैल रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अमेरिका में परेशानी का सबब बन गया कोरोना सब वेरिएंट JN.1 यहाँ भी पहुंच गया है। केरल में कोरोना संक्रमण के लक्षणों वाले कई मरीजों में ये नया सब वेरिएंट पाया गया। बता दें कि साल 2020 में चीन से निकलकर दुनिया में तबाही मचाने के दौरान भारत में इस महामारी ने केरल के रास्ते पर ही पैर जमाए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नए सब वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। WHO के एक्सपर्ट्स का कहना है कि सर्दी में ये नया वेरिएंट नए मरीज बढ़ा सकता है। यदि बुखार, खांसी, थकान, डायरिया, सिरदर्द जैसी तकलीफें दिखाई दे तो सतर्क हो जाएं और कोरोना टेस्ट करा लें। फिलहाल कोरोना के JN.1 वेरिएंट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।